हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मेरे आइकन कैसे हवा में उड़ के मेरे पास मोबाइल के नीचे आ गए। जी हाँ गाइस, ये मेरे आइकन ही है, रियल है, कोई फेक नहीं है। आप देख सकते हो मैं मोबाइल को ऊपर करता हूँ तो ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे करता हूँ तो नीचे की तरफ आते। और इसी तरह गाइस, अगर आपको इसी तरह अपने मोबाइल के साथ करना है तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो वीडियो देखते रहिए। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा चैनल AE एजुकेशन बहुत अच्छा रहा है और इसमें अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेगी, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में इसका जो बेल का निशान आएगा जैसे कि आपको दिख रहा है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे हर नए आने वाले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हो सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको अपने मोबाइल में गैलेक्सी ऑप्शन दिखाई, तो गाइस ये कैसे हुआ ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये सारा एक ऐप का कमाल है और उस ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप का नाम है ग्रेविटेशनल लॉन्चर। ओके गाइस, तो आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। ओके गाइस, तो सेटिंग में जाने के बाद हर किसी के मोबाइल में होम का बटन होता है। आपका सैमसंग का है तो आपके पास होम का बटन आएगा, मतलब हर एक मोबाइल में अपनी अपनी जगह पर होम का बटन होता है। आपको होम के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ग्रेविटी पे क्लिक करना है बस। ओके गाइस, और आपको बैक चले जाना है। तो बैग जाने के बाद आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है। आप देख सकते हो मेरे पास वो आ चुकी है, तो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे सिर्फ टैप करना है। टैप करने के बाद जितने भी मेरे आइकन होंगे वो आपको शो हो जाएंगे एक गैलेक्सी इफेक्ट में। और गाइस, ये बिल्कुल रियल है, कोई फेक नहीं। और हाँ, दूसरी बात, आप इसको अगर राइट करेंगे तो राइट जाएगा, लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट जाएगा। ये देख सकते हैं आप, शुरू में थोड़ा सा हैंग हो जाता है लेकिन फिर सही हो जाता है। तो गाइस, आप इसके आइकन देखिए ये कितने अच्छे हैं। मतलब गाइस, मुझे इसके आइकन बहुत पसंद आया। आप इसको देखें, ये देखें। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा मैंने कैसे एक आइकन को उठा के कैसे उसके ऊपर पटका। और गाइस, इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप इसको, मतलब जैसे कि मैं अगर अब अगर मैं उसको दोबारा हटाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस? तो मैं सिंपल इसमें क्या करूँगा, मुझे सेटिंग ढूँढनी है। और सेटिंग मुझे ये रही मिल गई, जो ये भी नहीं है, सेटिंग अभी मुझे ढूँढनी है। तो गाइस, इसके लिए मैं इसको थोड़ा ऊपर डाउन कर देता हूँ ताकि मुझे सेटिंग ढूँढने में आसानी हो। तो सेटिंग मेरे को पास आ चुकी है, ये आप देख सकते हो। सॉरी गाइस, मुझसे क्रोम ओपन हो गया है। तो गाइस, इसी तरह से आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सेटिंग पे जाना है। और सेटिंग पे जाके वही से होम को प्रेस करने के बाद आपको अपनी जो होम लॉन्चर है वही कर देना है बस। ओके गाइस, सिर्फ इतना ही करना है आपको। और गाइस, उम्मीद है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया ये लॉन्चर, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। क्योंकि गाइस, इसमें से जो आइकन है ना वो ज़बरदस्त हो जाते हैं, आइकन गोल हो जाते हैं, चकोर हो जाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे लगते हैं बंदे को। तो उम्मीद है गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।